थे उसकी मल्टीपल टाइम्स। तो पहले डिस्क्रीट और कंटिन्यूस देखी है हम लोगों ने। कल हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी। ऑलमोस्ट इनके जो लाइब्रेरीज के फार्मूला हैं वो कोड करते हुए मिलते जुलती हैं। हम लोग देख रहे होते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन हैं क्या, और फिर जो कोड है उसमें अप्लाई करके हम देख रहे होते हैं कि कैसे उसकी जो हम लोगों ने पढ़ी है सारी एक्सरसाइज वो कैसे उसमें पूरी हो रही है। ठीक है, यानी कोडिंग प्रैक्टिस एक दिन अगले दिन हम लोग कर रहे होते हैं। या फिर मैं एक आध दिन मैंने ये भी किया था कि मैंने स्लाइड जो है वो पकड़ा दी थी और असाइनमेंट के तौर पे दे दिया था वही जो सारा अप्लाई करना था। इस तरह से अभी तक चल रहा है। अब हम लोगों ने कल जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी आप लोगों ने जाके रिवाइज किया था उसे घर में अपने मदरबोर्ड पे क्लास के बाद? नो मैम, मैं 2 दिन से आउट ऑफ सिटी था तो इसलिए काम नहीं हुआ 2 दिन से, तो इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह कवर कर लूँगा। ओके, दैट्स गुड। चलो, वो बस इतना मुश्किल नहीं था। आई थिंक यू विल कवर इट इजीली। मगर ये कि हाँ रेगुलर ये होता है कि ज़रा पार्टिसिपेशन हो जाती है और एक्टिव रहते हैं सारे, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एनी हाउ चलें अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी ना उसी के फिलहाल के लिए एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, और इसको मैं अब कोशिश करूँगी कि जल्दी ही हम गुजारें बिकॉज इसमें इतना बहुत इजी है। लाइक इस टाइम पे आके वही तकरीबन प्रैक्टिस हम बार बार कर रहे हैं, सो इट विल बी हेल्पफुल कि हम जल्दी जल्दी इसको कर लें। एनी हाउ हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कल हम लोगों ने देखा था कि पॉइंट की जैसे कोई भी हम ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आउटकम दो आ रहे हैं, या विन और लूज है, या फिर हेड या टेल है। कि जैसे हम कॉइन को अगर कर रहे हैं तो 0 है या 1 है। सो इस तरह की सारी जो हमारे पास सिचुएशंस हैं इनके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो रही होती है। ठीक है, और यहाँ पे अब उसने एक कहा है जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि हमने सिमुलेशन करनी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। लाइक हमने डाटा प्रोड्यूस करवाना है जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता हो, और कैसे प्रोड्यूस करवाना है। जो कंडीशंस है हमारे पास वो ये है कि एक दिन को सिमुलेट करवाना है जिसमें 30% तब सिमुलेट 1 दिन वर्क ऑन बाय द मोमेंट हु विंस 30% डील से वर्क हो। ठीक है, यानी 30% ऑफ जो डील्स जिनमें विनिंग है ना उसमें से एक विनिंग वाली डील एक लेनी है। ठीक, तो मुझे अगर सिमुलेशन करवानी है किसी भी डेटा की मतलब तो किसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैं क्या करूँगी? कौन सा वाला यूज़ होता है इसमें? बाइनोम को मैंने इम्पोर्ट करवा लिया डायरेक्टली साइबर स्टार से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और इसके अलावा जो उसने हमें कहा हुआ है कि रैंडम सीट है वो 10 प्रोड्यूस करवाएं ताकि जो हमारे पास पहली बार दफ़ा वो फिक्स आए। ठीक, तो 10 np.random.seed से हम लोगों ने 10 फिक्स वैल्यू दे दी है। अब मुझे सिमुलेशन के लिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहिए? ये इतनी दफ़ा हो गया कि मेरा ख्याल अब लोगों को रट्टा होना चाहिए। जी सर, उसने उनका थोड़ा थोड़ा क्लोज है कि उन्होंने RVS है बेसिकली RVS, राइट? सो यस, और ये फंक्शन जो मैं RVS का यूज़ कर रही हूँ ये मैं कहाँ से इंपोर्ट करवाऊँगी? बाइनोम से, राइट? उसकी क्योंकि मैं इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसी के रिस्पेक्टिव वो लाइब्रेरी में कॉल करवाऊँगी तो फिर ही मैं उसका फंक्शन वो कॉल कर सकती हूँ। इसका ये RVS कॉल करूँगी ना सिमुलेशन के, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मुझे सिमुलेशन करके देगा। ओके, तो अब जो सिंगल डील है अगर मुझे उसकी सिमुलेशन करवानी है तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज क्या लिखनी है?
है, तो फर्स्ट पे हम क्या लिख रहे थे? आई नो मोर डॉट आर वी एस में जी सांस लाइट भी ओपन कर दी। किसी को कोई आइडिया और कोई गैस भी नहीं है कि क्या हो सकता है। ओके चलो मैं बताती हूँ कि आर वी एस वे फंक्शन में यहाँ पे पहले अगर जस्ट ओपन इट जैसे कि वन फ्लिप अगर करना था ठीक है, तो मैंने वन फ्लिप लिया था, कितने नंबर ऑफ फ्लिप्स हैं या ठीक है, उसके अलावा मैंने ओके सो साइज में मैं नंबर ऑफ फ्लिप्स दे रही हूँ क्योंकि कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, सॉरी ये साइज में आएगा, और मैं कॉइन कितने यूज कर रही हूँ ठीक है, मैंने वो यहाँ पे लिखा था शुरू में, और विनिंग प्रोबेबिलिटी हेड के आने की कितनी है वो लिखा था, यानी मैं कितने वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी अगर यहाँ पे जैसे डी है वन है तो मैं यहाँ पे वन लिखूंगी, जिस भी चीज़ को मैं देख रही हूँ वो कितनी ले रही हूँ, अगर मैं कॉइन्स को देख रही हूँ तो वो कितने ले रही हूँ ठीक है, उसकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, और कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं यानी कितने नंबर ऑफ फ्लिप्स हैं इस केस में। तो अब मैं यही चीज़ अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मेरे पास एक डील है, विनिंग के चांसेस 30% हैं, यानी 30% हैं तो ये 0.3 बन जाएगा प्रोबेबिलिटी के लिए जो विनिंग उसकी है, और साइज में मैं कितना लिखूंगी, जी कोई गेस बताएं कि अभी मैं लाइन वाइज यहाँ पे क्या वैल्यू लिखूँ, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला वहाँ पे दिखा है स्लाइड में ये इसी तरह से, तो इसको भी समझ के हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट हो सकती है वैल्यूज की। ये समझ आ रही है ना, डिवाइस तो हो रहा है कि ये क्या था राइट, अनम्यूट करके है ओके, तो इसको अब यही वैल्यूज इसी हिसाब से मुझे इसमें बना के बताएं कि क्या बनती हैं, क्या आएंगी वैल्यूज, फर्स्ट पे क्या लिखूं। मैम नंबर ऑफ डील वन थी तो वन आएगा पहले, उसके बाद विनिंग परसेंटेज आएगी 0.3, यस दैट्स गुड, और और साइज कितना साइज होगा? साइज हम अपनी साइज मर्जी में से दे सकते हैं कुछ भी। नहीं, ये हम लोगों ने देखना है नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, जैसे अगर मैं कोई भी मैंने वो बताते हुए जैसे एक बताया था कि ये साइज है, तो यानी ये बता रहा है कि कितने टाइम्स मैंने उसको फ्लिप किया है कॉइन को, पहले वाला वन बता रहा है कि कितने कॉइन लिए हैं मैंने ठीक है, साइज बता रहा है कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं ठीक है, यानी कितने दफ़ा मैंने उसे करवाया, अब यहाँ पे एक ही दफ़ा वो मैं डील ले रही हूँ ठीक है, तो इसमें साइज भी वन ही है ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यानी उसने एक रील के लिए अगर 0.3 चांसेस 0.3 प्रोबेबिलिटी है उसकी विनिंग की, तो साइज और साइज वन है, तो उसने एक डाटा पॉइंट दे दिया हमें रैंडम सी 10 पे सही उसे एक डील के लिए। अब इसी तरह से अगर मुझे एक वीक के लिए तीन डील्स की सिमुलेशन करनी हो तो मैं क्या करूं इसमें, यानी अब इसमें क्या चेंज आएगा, अब डेज 3 हो गई है और वीक 1 है,
और विनिंग प्रोबेबिलिटी सेम है 0.3। साइज 1 वीक के लिए 7 है जाएगा, 7 पे 0.3 और साइज 3 बिल। ओके, सो यहाँ पे वो कह रहे हैं 7.3 और साइज 3। ओके, जी और सर उसनैन क्या कह रहे हैं? साइज 3 ही हो जाएगा। देखते हैं और किसी का कोई आइडिया इसमें। अच्छा, सो बेसिकली हमारे पास हमने देखना डीट्स को देख रहे हैं ना, तो कितनी, जैसे हम पहले ले रहे थे कि कॉइन्स ले रहे थे, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं एक टाइम पे जो हम इकट्ठे ले रहे हैं। अब इसमें ये सिमुलेट करवाते हुए मैं 3 रियल्स ले रही हूँ, ठीक है। 3 रियल्स जो मेरी मेन सब्जेक्ट है वो मैं 3 अब ले रही हूँ, तो उसकी तादाद में यहाँ पे बढ़ाऊंगी, ठीक। यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लिखनी है जो कि सेम है इस केस में भी, पर साइज जो है वो मैं 1 वीक, जैसे यहाँ पे 1 वीक लिखा हुआ ना, तो मैं इसको डेज में कन्वर्ट नहीं करूँगी, मैं फिर हो सकता है कि वो वीकली ही चल रहा है, ठीक है ना। उसने जितना से बताया मैंने वैसे ही देना, तो 1 वीक उसने लिखा है, हो सकता है वो वीकली ही डाटा को लेके चल रहा है, तो फिर मैं 1 1 के हिसाब से ही उसको 1 ही दूंगी, साइज 1 है। सो अगर एक ही वीक में 3 डील्स करवाई हैं विद दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और रैंडम सीड ऊपर एक ही दफ़ा हमने सेलेक्ट की हुई है 10, तो उस केस में 0 वैल्यू आई है, 0 डेटा पॉइंट आया हमारे पास। गॉट इट। सिमिलरली हम 1 ईयर की सिमुलेशन करनी है, या हम फिर जैसे 52 वीक्स के हैं, 3 डेज ईच विद लाइक मतलब 52 वीक्स में, मतलब ऑफ 3 डेज, 3 डेज है हर वीक में, और स्टोर की डिटेल्स हैं, ठीक है। एंड और इन उसको उसने बताया हुआ है कि उसको हम लोगों ने डेज में, लाइक डेज का वेरिएबल उसने दे दिया हुआ है, और मीन नंबर ऑफ डेज ही 1 पर वीक, यानी कि खाली सिमुलेट नहीं करना बल्कि उसका वीक जो मीन है वो देनी है वैल्यू। तो हमारे जो करेक्ट आंसर है वो ये डाटा पॉइंट नहीं होगा, हम उसकी डाटा पॉइंट्स का मीन निकाल के बताएंगे कि पर वीक के हिसाब से कितनी है। तो टोटल पहले सिमुलेट करेंगे कि 52 वीक्स का डाटा, ठीक। तो इस केस में अगर मैं सिमुलेशन करवा रही हूँ तो किस तरह से होगा, अगेन वही फार्मूला यूज़ होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे मुझे सिर्फ चेंज क्या करना है कि नंबर ऑफ डील्स, अब पहले जैसे 1 थी अब 3 हो गए नंबर ऑफ डील्स, और इस केस में अब साइज क्या है क्योंकि वो वीक वीक बाय वीक बात कर रहा है, ठीक है। पहले 1 वीक था और अब कितने वीक्स हैं, 52 वीक्स, फिर यस। तो ये साइज 52 हो गया, यानी हर वीक लाइक वो उसने 3 वीक्स ईच फॉर द कंसेक्टिव 52 वीक्स बात की है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0.3। ओके, सो ये तो हमारे पास डाटा आ जाएगा डील्स के, डील्स में स्टोर हो गया। अगर मैं डील्स को प्रिंट करवाऊँ तो इट विल गिव मी सम वैल्यू लाइक, कुछ ये वैल्यू आई है, ये पूरा डाटा सेट हमारे पास आ गया जिसमें उसने 1 0 या 2, ये डिपेंड करता है कि 3 में से कितनी डील्स उसने वो करवाई है, लाइक विन करवाई है, ठीक है। एक वीक के अंदर उसने इस वाले वीक में, फर्स्ट वीक में 1 थी सिर्फ, सेकेंड वीक में भी 1 ही डील उसने करवाई, ठीक है। इस तरह से कुछ वीक्स हैं जिनमें 2 डील्स करवाई हैं आउट ऑफ 3, ठीक है, टोटल 3 थी, और 3/3 कहीं पे भी नजर नहीं आ रही क्योंकि वैसे भी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.3 है विनिंग की, ठीक है। तो इसलिए तीनों के तीनों डील्स इसमें नहीं नजर आ रही, ठीक। सो इस तरह से इसने हमें डाटा दिया हुआ। अब प्रिंट जो अब हमारा आंसर क्या आना था, हमें इनका मीन बताना है कि पर वीक एवरेज क्या चल रहा है, तो वो मैं मीन कैसे अब इसमें निकालूंगी, डील्स का मीन निकालना, np.mean यस।
एंटी डॉपमीन, मैं इसमें डील्स देखा वेरिएबल दे दूंगी तो मुझे मीन बता देगा। सो और एवरेज पर वीक जो है वो विनिंग जो हो रही है डील्स की वो 0.88 है। ओके अभी तक हम लोगों ने सिमुलेट करके देखा डाटा, अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे कि कितनी डील्स वो विन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डाटा, राइट। जैसे कि वो इसने यहाँ पे जैसे इसकी स्टेटमेंट पढ़े तो उसने लिखा हुआ है कि नाउ आमिर वांट्स टू नो हाउ मेनी डील्स ही कैन एक्सपेक्ट टू क्लोज ईच वीक इन हिज विन रेट चेंज। पहले विन रेट क्या था हमारे पास, 30% था जिसको हम 0.3 लिख रहे थे प्रोबेबिलिटी। तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से विन रेट चेंज भी होता रहेगा तो हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू उस हिसाब से उसी फार्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं। फार्मूला अब डिफरेंट हो जाएगा, RVS नहीं होगा बिकॉज RVS जो है वो सिमुलेशन के लिए यूज होता है। सो फर्स्ट वन है कि हमने एक्सपेक्टेड जो विनिंग है वो बतानी है। कंपेयर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स आउट ऑफ 3 ही वर्को दैट आर्मी विल विन ईच वीक इफ ही मेंटेन्स हिज 30% विन रेशियो। तो अगर वो वीकली जो 3 टोटल डील्स थी, हर वीक में जो 3 टोटल डील्स करना था विद द 30% विनिंग रेशियो, तो उस हिसाब से कितने परसेंट विन करने के चांसेस हैं, कि उन 3 में से विनिंग चांसेस कितने हैं। तो मैं इसमें कैसे लगाऊंगी, कौन सा फंक्शन यूज होगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी लाइक क्या प्रोबेबिलिटी क्या बनना चाहिए इसका। हम फंक्शन या फंक्शन नहीं, हो सकता है कि सिंपल कैलकुलेशन ही हो, लाइक कोई तो आइडिया होगा, हो सकता है सिंपल कैलकुलेशन से ही सॉल्व हो। तो ओके गेस इस वाले से ओके। सो टोटल हमारे पास जो डील्स हैं लाइक ये वही फॉर्मूला है जो हमने किया था कि परसेंटेज निकालनी हो तो हम वो बता सकते हैं, यानी उसकी आउटकम। तो पी जो है हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3, और एन हमारे पास नंबर है, राइट। तो नंबर एन इंटू पी हम इससे परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, राइट। तो मैंने 3 टोटल थी, एन वैल्यू और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है इस केस में, जैसे उसने बताया कि 30% विन रेशियो है तो बनती है ये 0.3। तो ये हमें जो है बता देगा कि 3 डील्स की विनिंग जो अगर 30% विन रेशियो है तो उसके हिसाब से कितनी एक्सपेक्टेड नंबर हो सकता है, ठीक है, वो हमें बता देगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 टोटल डील्स हैं और मुझे वो 0.25 विनिंग रेशियो चेंज हो गई अब, ठीक है। डील्स उतनी ही है कि एक वीक में 3 डील्स ही कर रहा है वो, लेकिन हमने देखने विनिंग रेशियो के हिसाब से लाइक वो प्रोबेबिलिटी कितनी विन रेट की उस वीक में पर्टिकुलर, तो हम उस हिसाब से परसेंटेज निकाल रहे हैं, विनिंग परसेंटेज। सो इस केस में कितनी है, इस केस में मैं क्या लिखूंगी, 3 × 0.35। यस सो ये वाला इस वन इज इजी कि जब 30% थी विनिंग रेशियो देन इट वाज 0.89, जब 25% है तो इसकी जो परसेंटेज है ओवरऑल विनिंग की वो भी 0.75 हो गई, और अगर 35% का है ज़्यादा किया तो ये भी 1 से अबव होगी, ठीक। सो दैट वाज इट। अब जो है वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, ठीक। तो अगर जैसे लास्ट उसने कहा कि वही हम चीज़ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो विनिंग की है वो 30% ही है, लाइक 30% उसमें डील्स पर वीक विन कर रहे हैं। अब वो ये आइडिया हमें डील्स में ही, ही वांट्स टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ लाइकली ही इज टू क्लोज अ सर्टेन नंबर ऑफ डील्स ईच वीक। इन दिस एक्सरसाइज वी विल कैलकुलेट द चांसेस
आर फॉर हिम क्लोजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूजिंग द बाइनोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब मुझे, क्योंकि हमें पता है कि 1 वीक में 3 डील्स कर रहा है और उसके विनिंग चांसेस 30% है, ठीक, तो मुझे अभी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीनों की तीनों डील्स उसकी विन हो जाए विद रिस्पेक्ट टू के 30% विनिंग चांसेस है, उनको देखते हुए उस वीक में तीन की तीन डील्स उसकी जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्लोज हो जाए, राइट। तो क्या मतलब उसमें विनिंग चांसेस लाइक उसके मुझे बताने हैं, तो ये मैं तीन क्यों निकालने हैं, अगर तीन की तीन डील्स विन करने के अगर मुझे निकालने हैं तो अब मुझे क्या यूज़ करनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी अब फाइंड आउट करनी है मुझे। मैं वही सेम जो ऊपर हमने यूज किया था बाइनोमियल डॉट आरबीएस। ओके, सो आरवीएस का जो फंक्शन है ना, ये वो हमने मैं देखा है कि सिमुलेशन हम्म, कर रहा जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें सिमुलेशन के लिए यूज़ हो रहा है, बस हम शुरू में उसके डिस्ट्रीब्यूशन का नेम चेंज कर रहे होते हैं, बाइनोम है, कभी वो नॉर्म हो जाएगा, कभी वो जो है वो कंटिन्यूस के लिए था, डिफरेंट था, ठीक है, डिस्क्रीट के लिए, लेकिन आरवीएस जो है वो सिमुलेशन के लिए है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम लोगों ने स्लाइड में देखा था, अगर नहीं याद आ रहा तो वहीं पे जाते हैं। लेक्चर लिया था मैं पिछले, इसलिए वो भी कवर नहीं हो रहा। ये है, ठीक है, ये है हमारे पास। ओके, सो हमने जब बाइनोम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पीएमएफ डॉट पीएमएफ का फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम शुरू में बता रहे हैं कि नंबर ऑफ हेड्स यानी जो टोटल नंबर ऑफ डील्स हैं इस केस में वो कितने हैं, यानी कॉइन्स कितने ले रहे हैं, फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो पहले हम आरबीएस के केस पर साइज अलग से दे रहे थे लेकिन यहाँ पे हम सेकेंड पे उसको नंबर ऑफ ट्रायल्स देंगे, यानी नंबर ऑफ फ्लिप्स या इस केस में कितने डील्स टोटल हम कर रहे हैं, ठीक, और प्रोबेबिलिटी कितनी है सक्सेस की या हेड आने की, ठीक। सो जैसे कॉइन के केस में हेड है तो विनिंग की ही हम जो है हमने बताने के कितने हेड, जैसे हम इसने बताया कि इस हेड को देख रहे हैं तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, यानी यहाँ पे विनिंग डील्स हम कितनी देख रहे हैं कि जिनकी हम प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे तीन ही हैं, और हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स के केस में भी टोटल भी हम कितने ट्रायल्स ले रहे हैं, यहाँ पे हम तीन ही डील्स ले रहे हैं और तीन उन तीनों के तीनों की ही हम जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं विनिंग की, ठीक है। सो इस तरह से अगर मुझे एग्जैक्ट एक नंबर गिवन है तो मैं उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल सकती हूँ, ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी अब, बाइनोम यस डॉट पीएमएफ यस और हमारे पास थ्री हैं टोटल डी, तो हेड पर थ्री होंगे, थ्री आएगा। उसके बाद वो नंबर ऑफ मिनिमम वो भी थ्री आएगा और पॉइंट ओके, सो थ्री। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने पहले लिया है नंबर ऑफ जो हमारे पास विनिंग यानी नंबर ऑफ विनिंग्स कितने हैं, या फिर हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन की तीन ही हम लोगों ने विनिंग देखनी है, ये देखने हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स, हो सकते हैं कि हम ये भी हुआ कह रहा था कि डील्स तीन तीन की हैं और टोटल डील्स उसने जो की हैं वो 7 है, तो इस केस में यहाँ पे सेकंड पे 7 आना था क्योंकि जो सेकंड वाला पैरामीटर ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और पहले वाला बता रहा है कि विनिंग वाले कितने हैं, ठीक, तो इसमें क्योंकि हम देख रहे हैं 3 out of 3 के सारे ही जितने तीन टोटल डील्स के हैं और तीन के तीन विन किए हैं तो पहले विनिंग वाले के लिए भी तीन ही हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ यानी 1 हफ्ते में 3 डील्स किए और तीनों के तीनों विन होने के चांसेस हुए तो 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज, तो फिर ऐसे केस में तीनों के तीनों प्रोबेबिलिटीज के विन होने के चांसेस कितने हैं, 0.027। ओके, अच्छा, अगेन इसमें वही चीज आ रही है, आई थिंक ये रिपीट तो नहीं हुआ हुआ कि हाउ मेनी सेल्स विल बी वन।
ओके मैम डेट है ये। हाँ यही है सेम है तो, लेकिन वही क्वेश्चन हमारा जो फॉर्मूला है इट विल बी सेम के हमने एन इंटू पी की बात करनी है, ठीक है। हम उस तरह से एन इंटू पी ही जब हम निकालेंगे कि नंबर हमारे नंबर ऑफ डील्स मल्टीप्लाई बाय देयर विनिंग प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। यहाँ तक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो क्लियर हो गई है ना, रिवाइज भी हो गया कि हम किस तरह से निकालते हैं। राइट गॉट इट। तो अब आगे हम चलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस है हमारे पास ये नेचुरली, अच्छा ये आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का नेम काफ़ी दफ़ा पहले भी सुना होगा, जिन्होंने पहले कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का नेम नहीं सुना तो वो हैंड रेस करेंगे ना। आई बिलीव कि सबने ही सुना हुआ है, ठीक है। और ये बहुत नेचुरली, ये नेचुरली एग्जिस्ट करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है। आप जितने भी नेचुरल फिनोमिना अगर देखें, सनसेट या सनराइज का अगर आप वो ग्राफ बना कर चेक करें, या फिर आप किसी एक पॉपुलेशन के अंदर सारी पॉपुलेशन की हाइट्स लेने, ठीक है, जितने भी नेचर के फिनोमिना है ना, अगर आप उनको उनका डाटा प्लॉट करेंगे ना, तो ये हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बेल शेप कर्व यानी दे रहे होंगे। नॉर्मल शेप डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि इस तरह की कुछ कर्व हमें आती है, मिलती है, ठीक है, जिसे हम बेल शेप कर्व कहते हैं। ओके सो इसमें जो एरिया अंडर द कर्व है इस पे क्या वैल्यू होनी चाहिए थी वैसे? हमने पढ़ा भी हुआ पहले कि एरिया अंडर द कर्व में इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी 1 वैल्यू है, ठीक है, यानी इसके जितना भी एरिया है टोटल 1 के इक्वल है। और इसके अलावा हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक और जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये सिमेट्रिकल है, यानी मैं इसको दरमियान से कट करूं तो ये जो दोनों साइड्स हैं वे एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक। तो इसलिए मैं ऐसे कहूंगी कि ये सिमेट्रिकल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जैसे शीशे में आप रखते हैं अपना हाथ, तो जिस तरह से वो मिरर इमेज नजर आ रहा होता है आपको दूसरे हाथ का, वैसे ही ये दोनों आपस में कट होके एक दूसरे के जो दोनों हाफ्स होंगे, ये वाली साइड और लेफ्ट वाली और राइट वाली साइड करके एक दूसरे का मिरर इमेजेस होंगे, यानी बिल्कुल सेम है, जो जिस तरह से यहाँ पे कवर वैसे उधर भी है, ठीक। ओके और एरिया अंडर द कर्व विल बी 1 टोटल जितना भी है। और इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कभी भी एजेस को टच नहीं करती, ठीक है, कोई ना कोई माइनर सा डिफरेंस होता है, ये कंटिन्यूस रहती है, ठीक। इट विल नेवर हिट 0, ठीक है, 0.006 में जाके 1 में जाके भी कोई ना कोई होगा, लेकिन ये असल में 0 के एक्सिस पे टच नहीं कर रही होती, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कंटिन्यूसली चल रही होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। एक इसकी ये प्रॉपर्टी है। इसी तरह से हम इसको जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इनको हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस केस में हम कह रहे हैं कि ये वाली जो हमारे पास कर्व है ये इसका मीन 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, ठीक। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है या 20 है, इसमें यहाँ से बेसिकली ज़्यादा आइडिया हो रहा होगा। मीन जो है बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है, जैसे इस केस में जो पीक पॉइंट है ये मीन है, और फिर यहाँ से हम लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि 1 या 2 या 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं इसके अंदर, ठीक है, और उसके अलोंग वो डाटा जा रहा है। अगर हमारे पास कोई ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, ठीक, तो इन दैट केस वी विल सी केस वी विल से कि ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि इसमें मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ही होगी, ठीक। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन, ये आपने याद रखनी है कि वो वाली नॉर्मल डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन जिसमें 1 है और मीन 0 है। अगर आप इसके एक्स एक्सिस में देखें तो तब आपको पता चलेगा कि दोनों
दोनों कर्व्स असल में डिफरेंट है। यहाँ पे 10, 15, 20 चल रहा है, यहाँ पे 0, -2 और 4 चल रहा है, तो इसके हिसाब से इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, और इवन ऑन द वाई एक्सिस द वैल्यूज आर नॉट द सेम, तो अपेरेंटली शेप दोनों की बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लग रही है, दोनों कर्व्स एक जैसी लग रही है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है बिकॉज हम हमने देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिस्क्राइब करते हैं, और दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, और अगर आप इसका स्केल देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना स्ट्राइकिंग डिफरेंस है दोनों में। ओके, सो एक ये चीज़ है कि बाय डिफॉल्ट ये रूल है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 68% ऑफ डाटा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाई कर रहा होगा, यानी +1 और -1 जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये एक्सेसिस के लोग उसने ली है, तो 68% जितना भी डाटा है ना ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें जो ऐसे डाटा का जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, तो उसका 68% डाटा +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंडर आ रहा होगा, और इसके अलावा जो 95% ऑफ डाटा यानी टोटल है वो +-2 के अंडर आ रहा होगा। ठीक है, जो 68 है, 68 है पहले हमने देखा, फिर 95 है, इसी तरह से 99.7 है। ठीक है, यानी 3, 99.7 जो है वो हमारे पास +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन में आ रहा है। उससे पहले वाली क्या वैल्यूज थी? जो हमारे पास जी मैम, ये इन तीनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? डिफरेंस इन अ सेंस, देखें मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं डाटा प्लॉट कर रही हूँ ना, ठीक है, तो ये मैं स्टैंडर्ड डेविएशन राइट साइड पे ले रही हूँ इस, ठीक है, और इस साइड पे मैं मीन की वैल्यूज देख रही हूँ, ठीक है, वाई एक्सिस पे, तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने डाटा को जब प्लॉट किया ना, तो जो हमारे पास 99.7 वैल्यूज़ हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ये सारी कवर हो जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है, ये सारी जितनी भी, यानी यहाँ से स्टार्ट होके ये वाली और यहाँ तक 99.7 में सारी तकरीबन वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो ये जितनी वैल्यूज़ है ना, ठीक, ये सारी +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे +3 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, यानी ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रा की हुई है कि 0 है बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे फिर +1 और -1 है, फिर -2 और -2 है, +2 है दोनों साइड्स पर, फिर -3 और +3 है। ठीक, तो ये कह रहा है कि जब हम 0 मतलब बिल्कुल सेंटर में, तो ये वाली वैल्यू है ना बिल्कुल ये 0 है सेंटर के, एग्जैक्ट मीन 0 जो है बिल्कुल सेंटर में, और अगर मैं 68% वैल्यूज देखूं, तो यानी 68% ऑफ डाटा फर्स्ट जो हमारे पास ये है ना स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें ना कर रहा, यानी वैल्यूज जो है मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी इसकी फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही, ये सारे जो कर्व है ये 68% है, ठीक है, फर्स्ट कर्व के लिए 68%, और विद इन +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आगे मूव करूँ कि यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमारा जो 68 के बाद था हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, 95, राइट, तो हमारा जो 95% डेटा पॉइंट्स है, यानी वो टोटल काउंट कर रहा है, वो पहले वाले भी काउंट कर रहा है, यानी ये सारे काउंट होंगे फिर, कि 95% हमारे पास जो डाटा है वो +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आएगा, और जो +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो अभी 95 से भी वैल्यू बढ़ गई, ये सारी वैल्यूज आएंगी इसमें, ठीक है, तो ये सारी जो है वो +-3 में आएंगे, तो हमारे पास ये जो है वैल्यूज आएंगी 99.7 के, 99.7% ऑफ डाटा स्टैंडर्ड डेविएशन 99 +-3 में फॉल करता। इसका क्लियर हुआ आपको? यस मैम, थैंक यू।
तो इसी चीज को क्या जिसमें 68% प्लस माइनस 1 में लाई कर रहा, 95% प्लस माइनस 2 में लाई कर रहा, 99.7% प्लस माइनस 3 में लाई कर रहा है, इसको हम 68, 95 और 99.7 रूल भी कहते हैं। ये रूल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा जो 68% डाटा वो प्लस माइनस 1 में होगा, 95% प्लस माइनस 2 में, और 99.97% डाटा प्लस माइनस 3 में होगा, ठीक है। और इसका एक दूसरा नेम भी है इस रूल का, एम्पिरिकल रूल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? सो ये एक इफेक्ट है जो आपने याद रखना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी तक हमने इसकी क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं? अभी तक हमने ये देखा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया जो कर्व के अंदर एरिया वो 1 के इक्वल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, अगर मैं इसको सेंटर में से कट करूँ तो ये मुझे इक्वल मिरर इमेजेस दे देगा, इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, तो सिमेट्रिकल है। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो है जिसमें मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, ठीक। एक और प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी कि जो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी भी 0 को टच नहीं कर रही होती, ठीक है, वो पैरेलल टू एक्सिस चलती रहती है कंटिन्यूसली, वो 0 को टच नहीं करती, ठीक। सो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज अभी तक हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की देखी हैं। अब यहाँ पे उसने एग्जाम्पल एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की दी है, जैसे मैंने बताया था कि बाय नेचर हमारे जो डेली लाइफ में बहुत सारी बाय नेचर जो फिनोमेना हो रहे हैं ना, वो सारे तकरीबन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो कर रहे हैं। सो इट्स रियली ब्यूटी ऑफ इट कि नेचर बाय नेचर भी ये फॉलो की जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम उसका डाटा से प्लॉट करें। अब जैसे यहाँ पे जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने डाटा लिया हुआ है, तो उसमें से वुमेन हाइट का उसने बताया कि ये भी जो मेजोरिटी जो हिस्टोग्राम्स है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। जैसे यहाँ पे उसने हिस्टोग्राम शो करवाया, तो ये भी असल में हमें बेल शेप्ड कर्व ही दे रहा है, सही। जिसमें अब इसमें मीन वैल्यू यानी जो सेंटर में आ रही होती है, ठीक है, वो है 161, और जो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 7 है, यानी मीन से 7 प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है। ओके, अब इसमें जो अप्रोक्सीमेट डेटा इसने बताया कि जो सारे डाटा जो क्लोजली रिजेंबल कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उसने उसके मिलते जुलते लाइक पॉइंट्स पे से गुजार के एक बेल शेप कर्व बना के दिखाई कि एग्जैक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही शो कर रहा है। ओके, तो अगर मुझे इसमें ये बेल शेप कर्व मैंने बना के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब मुझे पता चल गया है, ठीक है, तो हिस्टोग्राम के ऊपर ही मैंने ये कर्व ड्रॉ की हुई है। अब मैं इस कर्व को यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारे पास कर्व है इसको यूज़ करके बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे ये निकालना है कि 154 से एवरेज हाइट हमारे पास 161 थी यहाँ पे, तो मैंने देखना कि 154 से शॉर्टर कितनी वुमेन है, ठीक। तो मैंने जस्ट नॉर्म का जो ये इंपोर्ट किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मैं नॉर्म डॉट सी टी एफ करूँगी इसमें। अब क्योंकि मुझे पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किससे हम डिस्क्राइब करते हैं, हम मीन से और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने फर्स्ट वाली वैल्यू तो वही दी जो शॉर्टर देन के लिए यूज हो रही है, ठीक है, कि लेस देन शॉर्टर देन। तो हमने देखा था कि पहले भी हमने कि शॉर्टर देन या लेस देन वाली की वैल्यू हो तो हम उसमें से शुरू में 1 माइनस नहीं करते, हम एज इट इज वो वैल्यू लिखते हैं 154 है जैसे यहाँ पे। फिर हमने ये मीन लिया और ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसकी गिवन थी, ठीक है, इस पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से ही डिस्क्राइब करते हैं। तो जो एक वैल्यू हमारे पास शॉर्टर के लिए थी, ठीक है, शॉर्टर देन 154 देखना, और इसके अलावा 161 मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने डाल दी नॉर्म डॉट सी डी एफ में। तो हमारे पास ये वो प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये 16% बनेगी, 15.8% करके 16% ऑफ जो वुमेन थी सर्वे में उनकी हाइट 154 से कम है। ठीक, तो यहाँ से समझ आ रही है हमें। और अब हम नेक्स्ट इसको देखते हैं कि टॉप
टॉलर देन 154, तो जब भी टॉलर या ग्रेटर देन समथिंग की बात हो तो हमें पता है कि फिर हम वन यानी टोटल में से माइनस कर देते हैं लेस देन वाला जो भी था, तो हमें वो सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास टोटल टोटल हमारे पास वन ही है एरिया अंडर द कर्व, तो उसमें से माइनस कर दिए 154 शॉर्टर वाले ही जैसे था वैल्यू, तो हमें अब वो ग्रेटर देन वाली वैल्यू मिल जाएगी 0.84, यानी कि 84% जो फीमेल्स हैं उनकी हाइट 54 सेंटीमीटर से ज्यादा, यानी कि ये जो रेड वाला एरिया इसने शो किया हुआ है कि ये इतना आ रहा है उसके रेंज में 154 से टॉलर, कर्व में भी पता चल रहा है कि ये एक मेजर चंक है, यहाँ से एक्सेसिस पे देखा तो ये तकरीबन यहीं पे 154 बनता है और ये 180 तक वैल्यू जा रही है। ओके सो यहाँ तक तो चीजें इजी थी, राइट, कोई मुश्किल तो नहीं है। नो मैम, इजी इसी तरह से हम रेंज भी निकाल सकते हैं, रेंज पे भी हमने देखा था कि हम 154 माइनस 157 यानी इन दोनों की जो शॉर्टर देन की रेंजेस हैं वो निकालनी हुई थी, ठीक है, तो उन दोनों को भी माइनस कर देंगे, तो पहले 157 वाले ले लिया और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस नॉर्मल और सीडीएफ, फिर 154 वाली वैल्यू ली जो स्मॉलर वाली है और उसमें से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका लिखा, और तो हम रेंज में से भी इस तरह से सब्ट्रैक्ट करवा के बता सकते हैं कि 154 से लेकर 157 तक कितनी वुमेन की हाइट्स हैं। ओके सो इसने यहाँ फिर इस वैल्यू निकाली है, ये ऑलमोस्ट 12% यानी कि जो 12.5% वुमेन है हमारे पास डाटा में उनकी हाइट 154 से 157 सेंटीमीटर तक है। ओके अभी तक तो हम प्रोबेबिलिटी लाइक निकाल रहे थे, ठीक है, हम वैल्यूज दे रहे थे हाइट्स की और हम निकाल रहे थे प्रोबेबिलिटी, लेकिन अब उसने परसेंटेज यानी खुद दी हुई यानी प्रोबेबिलिटी खुद दे दी है और हमने ये बताना है कि उस 90% से हाइट की वैल्यू क्या बनती है, यानी अब उसने जो फंक्शन है वो डिफरेंट यूज़ होगा, पहले यूज़ हो रहा था सीडीएफ, राइट, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, ठीक, अब यूज़ होगा पीपीएफ, राइट, क्योंकि हमने परसेंटेज की यूटिलाइज करके वैल्यूज निकाली, यानी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है और हमने वैल्यूज निकाली, यानी 90% का प्रोबेबिलिटी बनेगी 0.9, राइट, तो कह रहे कि अब ये बताओ कि 90% वुमेन किस हाइट से छोटी है, तो हम अब हाइट बतानी है, तो पीपीएफ का फंक्शन यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी दी, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एज यूजुअल बिकॉज वी नो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से ही डिस्क्राइब करते हैं। ओके सो हमारे पास 0.9 थे यहाँ पे हाइट, और पीपीएफ लगाया तो हमारे पास 169 आ गई वैल्यू, 169.9, तो ऑलमोस्ट 170 है ये नॉट ऑफ करके, तो इसका मतलब ये है कि 90% जो वुमेन है वो 170 सेंटीमीटर हाइट से छोटी है इसमें, और अगर मुझे टॉलर लिखना है तो अगेन यानी उस वैल्यू से ज़्यादा बड़ी, यानी 90% ऑफ वुमेन किस वैल्यू से बड़ी है, किस वैल्यू से उनकी हाइट लंबी है, ठीक, तो अब मुझे टॉलर देखना, तो मुझे याद है कि मैं शॉर्टर देखती हूँ तो एज इट इज वैल्यू आ जाती है, टॉलर देखती हूँ तो वो 1 टोटल में से माइनस होती है, तो अगेन यहाँ पर भी उसने फिर वही किया कि 1 में से 0.9 को माइनस किया है जो कि हम पहले 0.9 एज इट इज ले रहे थे, लेकिन इस केस में ग्रेटर देन या टॉलर देन की बात हो रही है तो 1 में से माइनस करेंगे उस वैल्यू को, और अगेन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, बस ये कि फंक्शन हमने यहाँ पे अगेन वो पीपीएफ यूज करें क्योंकि हम इस केस में प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, ठीक है, और हमने वैल्यू बतानी है, डेटा पॉइंट बताना है, हाइट बतानी है कितनी है, ठीक, सो 152 जो वुमेन है वो 92% वुमेन 152 हाइट से लंबी है, और अगेन हम जनरेट करवा सकते हैं रैंडम नंबर्स को आरवीएस का फंक्शन, जस्ट ये कि हम इस केस में उसी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्म से ही हम आरवीएस लेंगे, ठीक है, और हम बताएंगे कि कितनी मीन वाली हो वैल्यू, कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन है, साइज कितनी, वैल्यूज कितनी हमने देनी है, ठीक है, तो साइज ही हमें बता रहे, 10 वैल्यूज को प्लॉट करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, 161 मीन के अराउंड और स्टैंडर्ड डेविएशन 7,
आरबीएस का फंक्शन अगेन यूज हुआ। ऑलराइट, दैट वाज ऑल अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक क्लियर है? एक हमने आरवीएस यूज किया है, एक हमने सीडीएफ यूज किया, और एक हमने पीपीएफ को यूज किया। इनके यूज केसेस डिफरेंट है कि मैं आरवीएस को सिमुलेट के लिए यूज करती हूँ, सीडीएफ को मैं तब यूज करती हूँ जब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और पीपीएफ को तब यूज करती हूँ जब मेरे पास प्रोबेबिलिटी है और मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक। और इसके अलावा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम दोबारा अगर रिवाइज करें तो मुझे पता है कि एरिया अंडर द कर्व 1 के इक्वल है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो ये वैल्यू ग्राफ है ना, ये कभी भी 0 को टच नहीं करता, ये बिल्कुल पैरेलल एक्सेस इसके लोग छोटा सा मेरे को लग रहा होगा आपको टच कर रहा है, लेकिन वो 0.0006 पे जाके ना कहीं ऊपर ही होगी, उसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर ही होगी 0 से, 0 को टच नहीं करेगा तो भी। और इसके अलावा मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक टर्म पढ़ी थी। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है? एनीवन, किस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मैं कहती हूँ कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है? मीन जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो। यस, जिसमें हमारे पास मीन की वैल्यू 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 है। यानी यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है, मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, और ऑलमोस्ट जो इनफैक्ट ऑलमोस्ट नहीं बिल्कुल जो कर्व है वो बेल शेप्ड ही है जस्ट लाइक एनी अदर। लेकिन हम जब एक्सिस और स्केल की वैल्यू देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि डिफरेंस है। ठीक। और इसके अलावा हमने देखा था कि मिरर इमेजेस में इक्वल हाफ में डिवाइडेड है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी? ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको अप्लाई भी कर लें। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। ओके, सो अब उसने वही जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की चीजें थी ना, वो अब उसने जो हमारे पास डाटा सेट था ना आमिर डेन्स का, उसी में ही अप्लाई करके देखा। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि सिंस ईच डील आमिर वर्क ऑन बोथ विन एंड लॉस वाज डिफरेंट, ईच वॉज वर्थ अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी, दीज वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द अमाउंट कॉलम। जितनी भी उसने विन या लूज की थी डील्स, उसकी डेफिनेटली उसने कोई डिफरेंट मनी, अगर विनिंग भी है ना तो उसकी वैल्यू अमाउंट डिफरेंट है। कभी उसने कोई प्रोडक्ट ज़्यादा बेची होगी, कभी ज़्यादा कम बेची होगी, और प्रोडक्ट भी हमने देखा था कि ABCD की काफ़ी कैटेगरीज थी प्रोडक्ट टाइप में भी जो ये बेच रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से बेशक अगर तीन उसने विन भी किया ना तो उन तीनों के तीनों में जो अमाउंट होगी वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, सॉरी, नहीं कि उस तीनों विन जो किए हैं उसमें सेम अमाउंट ऑफ मनी मनी उसने गेन की है कस्टमर से, तो उसने एक अमाउंट के नाम से फिर एक अलग से कॉलम बनाया हुआ है आमिर डील्स के अंदर, जो कि बता रहा है कि हर डील के रिस्पेक्टिव कितनी अमाउंट उसने जनरेट करवाई है। ठीक है, अब आपने एस्टिमेट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम सेलिंग डिफरेंट अमाउंट्स, बट बिफोर यू कैन डू दिस यू नीड टू डिटरमिन व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द अमाउंट वेरिएबल फॉलोज। अब मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है डिफरेंट अमाउंट्स की, कि कितनी अमाउंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि ऑलमोस्ट कितना वो सेल कर सकते, कितनी को मतलब अमाउंट जनरेट होगी आफ्टर सेलिंग और आफ्टर विनिंग अ डील। लेकिन उससे भी पहले मुझे ये जानना ज़रूरी है कि अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी फॉलो कर रहा है। अगर मुझे पता ही नहीं कि वो बायनोमियल है या डिस्क्रीट है या कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं कैसे उस पर कोई फंक्शन अप्लाई करके उसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकती हूँ? तो उससे पहले मुझे जब भी डिस्ट्रीब्यूशन विजुलाइज करवानी है तो वे नो कि हम हिस्टोग्राम को यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं हिस्टोग्राम यूज़ करूँगी। आमिर डील्स के डाटा फ्रेम के अंदर ही मैंने अमाउंट का जो वेरिएबल था, कॉलम था, उसको लिया और डॉट हिस्ट करके बिन्स, जिसने यहाँ पे 10 के हैं, 10 के हैं, तो हमने वही स्पेसिफाई जो किए हुए थे वो बिन्स का आर्गूमेंट उसमें पास करवाया, एंड PL2 डॉट शो, एंड देन वी नो कि ये अब जो डिस्ट्रीब्यूशन आई है ये बेल शेप्ड है। ठीक है, सो ये बेल शेप्ड कर्व है और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अब मुझे पता है कि अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ, तो मुझे इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को वही इम्पोर्ट करवानी पड़ेगी सैंपल डॉट स्टैंडर्ड से, इम्पोर्ट नॉर्म करवा के प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आई नो के CDF यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो अब इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, ठीक है, सिंस ईच डिल आई मीन वर्क डाउन ठीक है वॉज डिफरेंट, दिस वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द अमाउंट आर्मी डेज एंड फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे भी अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट जो मीन है ना वैल्यू, ये दरमियान में जो सेंटर में आ रही है ये 5000 मीन छोड़ रहा होगा, ठीक है, बिकॉज वे नो के सेंटर में मीन वैल्यू आ रही थी, तो ये ऑलमोस्ट 5000 एक्सिस इसके लॉन्ग। ओके, और इसने हमें बताया भी हुआ है कि मीन वैल्यू 5000 है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास जो है ना ये 2000 आ रही है, ठीक। तो दो वैल्यूज हमें गिवन है जैसे उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब किया हुआ है। अब वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आमिर जो डील क्लोजिंग द डील वर्थ लेस देन 7500, लेस देन इज इम्पोर्टेंट हेयर, ठीक है। सो मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और लेस देन 7500 की हमने देखने की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो अब आप ये बताएंगे कि मैं इसको क्या करूं, किस तरह से लिखना है। कुछ केसेस यहाँ ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक एनीवन ओके। सो मैं अगर ज्यादा हो इसमें रहा है स्लाइड ज्यादा हो रहा है ये। सेचुरेशन हो गई है, चलो ठीक है फिर इसको कल कर लेते हैं, वैसे भी अब हमारे पास 5 मिनट रह गए, तो कल मैं क्लास में ही पूछूंगी। तो स्लाइड्स जो है मेरा ख्याल है हाँ ये वाली न्यू मैं शेयर कर दूंगी ये भी, ठीक है, ताकि आप लोग अपने एंड पे देख के फिर इसको करें, ठीक है। सो और इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, सो सर हमजा आपने डाटा कैंप में वो इनरोल करवा लिया था उसमें? जी मैम करवा लिया था। ओके दैट्स गुड, सही, हाँ वो एक अच्छा रिसोर्स है इन द टर्म्स के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी और न्यू कोर्सेज भी हैं, ठीक है, इनफैक्ट हम वहीं से ही वाला भी कोर्स फॉलो कर रहे थे, सो बेशक अपने अपने एंड पे भी आप वहाँ पे देखते रहें, प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे काफ़ी हैं, तो दैट विल बी रियली ग्रेट लर्निंग रिसोर्स। ओके, इसके अलावा कोई फीडबैक? चलें फिर मीटिंग में एंड करते हैं, अल्लाह ओके मैम, हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन।